हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडीएस केमिस्ट्री। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज क्राउन ईथोस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि किस पर्टिकुलर क्राउन ईथर की एफिनिटी किस कैटायन से है। दूसरी बात इसकी नेमिंग पे बनती है कि चार ऑप्शन दे देते हैं और कहते हैं कि इस क्राउन ईथर का नाम क्या है और इसका यूज क्या है। तो दो तीन टाइप के क्वेश्चन हैं। कभी कभी कंपटीशन में एक नंबर एक क्वेश्चन आ जाता है इससे, और इसको हम लोग, ये जो टॉपिक है बहुत अंडर एक्सप्लोर्ड है, इसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे टॉपिक को हमको जरूर से जरूर कवर करना चाहिए जिसपे क्वेश्चन आते हैं और हम पढ़ते कम हैं। एक 10-20 मिनट की मेहनत से हमारा एक क्वेश्चन अगर हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह के टॉपिक को हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग क्राउन ईथर के बारे में बताएंगे कुछ फैक्ट्स, क्या होता है क्राउन ईथर। ओके, तो क्राउन ईथर को क्राउन ईथर क्यों कहते हैं, क्राउन क्यों कहते हैं, कि इसका जो शेप है वो क्राउन की तरह लगता है, इसलिए क्राउन कहते हैं। ईथर क्यों कहते हैं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ अ रिंग कंटेनिंग सेवरल ईथर ग्रुप्स, इसलिए इसको क्राउन ईथर कहते हैं। ठीक, और सबसे मोस्ट कॉमन जो क्राउन ईथर है वो किससे बनता है, ओलाइगोमर्स ऑफ इथिलीन ऑक्साइड। ओलाइगोमर क्या होते हैं, पॉलीमर में क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट जो होती हैं बहुत लार्ज नंबर्स में होती हैं। ओलाइगो मींस फ्यू, जब फ्यू होता है तो उसको ओलाइगोमर्स कहते हैं। तो सबसे कॉमन रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये CH2CH2O। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्राउन ईथर्स की। वो किस पे डिपेंड करती है, N पे। N क्या है, यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट, जो हमने भी बताया था CH2CH2O, इथिलीन ऑक्साइड का जो रिपीटिंग यूनिट है उसके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। टेट्रामर, इफ N इक्वल टू 4 है तो टेट्रामर, N इक्वल टू 5 है तो पेंटामर, N इक्वल टू 6 है तो हेक्सामर। ये कॉमन है, और भी होते हैं, मैं और बताऊंगा। ओके, अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, क्राउन ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे हैं, वो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, इसलिए इसको ध्यान से आपको देखना है। तो नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें, तो जनरल क्या है, एक्स क्राउन वाई ईथर। ओके, तो यहां पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द साइकिल एक्स, और वाई क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन साइकिल। ओके, तो अब हम देखो नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं इसका, टेट्रामर का। ये टेट्रामर का नॉमेनक्लेचर क्या बताना है, एक्स कितने मेंबर की रिंग है, ये यहां से काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्या लिखोगे, 12 क्राउन, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका नाम क्या हुआ, 12 क्राउन 4। ठीक, इस पेंटामर का नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या लिखोगे, यहां से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्या लिखोगे, 15 क्राउन, और कितने ऑक्सीजन आइटम्स है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस पेंटामर का नाम क्या हुआ, 15 क्राउन 5। अब इसका काउंट करिए, यहां से काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्राउन, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स बताएंगे तो और उसका नॉमेनक्लेचर हम बताते थे। ओके, ये टू मेंबर्स और हैं इंपॉर्टेंट, तो इसका नॉमेनक्लेचर हम बता देते हैं। इसमें भी कितने मेंबर हैं, यहां से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहां पे लिखो 18 क्राउन, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पे दो बेंजीन रिंग लगे हैं, इसलिए क्या लिखोगे,
डाई बेंजो 18 क्राउन 6। ठीक, इसका क्या करोगे, ये भी 18 मेंबर्स हैं लेकिन यहां पे ऑक्सीजन की जगह पे दो नाइट्रोजन है, देखिए तो इसको क्या लिखोगे, डाई एजा, एजा मींस नाइट्रोजन। अब 18 मेंबर्स हैं, 18 क्राउन 6। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं क्राउन इथर का। ठीक, तो क्राउन इथर हमने बताया कि एक रिंग, साइक्लिक रिंग होती है, तो जो कैविटी होती है उसमें क्या है, एक इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो जो इंटीरियर पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, ड्यू टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होते हैं, लोन पेयर, उसकी वजह से हाइड्रोफिलिक होता है। और एक्सटीरियर जो एंड है कैविटी का वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। क्यों, CH2 के कारण वो हाइड्रोकार्बन होता है, लाइक हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक होता है, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो इसका यूज क्या है, सॉल्वलाइज मेटल सॉल्ट्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कुछ मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं वो पोलर है, वो कोवेलेंट है, इसलिए उसमें वो सॉल्विल नहीं होते हैं। तो उसको सॉल्विल करने में क्राउन इथर काम आता है। क्राउन इथर बाइंड्स स्ट्रांगली टू सर्टेन कंपाउंड्स। इसकी एक स्पेसिफिसिटी होती है कि पर्टिकुलर क्राउन इथर जो है एक पर्टिकुलर मेटल से ही, मेटल कैटायन से ही बाइंड करेगा। इस टर्म को क्या कहते हैं, मालिकुलर रिकॉग्निशन, मालिकुलर रिकॉग्निशन, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर क्राउन ईथर एक पर्टिकुलर मेटल कैटायन से ही बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो क्यों करता है, क्योंकि कैविटी साइज, वो अभी हम आगे बताएंगे। तो जो ये फंक्शन है इसका मेन काम क्या है, ये किस में काम आता है, फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। तो इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। और क्यों होता है, यही इंटीरियर और एक्सटीरियर जो इसकी कैविटी है वो डिफरेंट बिहेवियर होता है इसलिए। ओके, मैंने अभी बताया था मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, यानी कि एक पर्टिकुलर क्राउन ईथर एक पर्टिकुलर एल्कली मेटल आयन से एफिनिटी शो करता है। उसका रीजन देखिए, आप इसको इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ओके, देखिए 12 क्राउन 4 जो है इसकी एफिनिटी किसके लिए है, लिथियम के लिए। क्यों, क्योंकि जो इसकी कैविटी साइज है इस क्राउन ईथर की वो ये है, और इसके कंपेरेबल है जो इफेक्टिव आयन रेडियस है लिथियम आयन का, उसका और इसका जो है वो कंपेरेटिविटी है, कंपेरेबल साइज है। 15 क्राउन 5 जो है वो सोडियम के लिए एफिनिटी शो करता है। 18 क्राउन 6 जो कि बहुत ही कॉमन है और इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, ये किसके लिए होता है, पोटेशियम आयन के लिए। और 21 क्राउन 7 जो है वो सीजियम आयन के लिए होता है। अब आप ये देखिए कि जैसे ये कहा जाए कि सोडियम इसमें क्यों नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि इसका साइज सोडियम का क्या है, 1.02 एंगस्ट्रॉम, और जबकि इसकी कैविटी साइज मैक्सिमम 0.75 ही है, तो उसमें वो फिट नहीं बैठेगा उस कैविटी में, इसलिए इसमें मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन होता है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं कंपटीशन में। क्या है, विच क्राउन ईथर इज नीडेड टू अचीव द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे देखिए क्या है, सोडियम एजाइड है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो आयनिक जो कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, तो यहां पे क्राउन ईथर की जरूरत पड़ेगी ड्यू टू फेज ट्रांसफर कैटालिसिस में, है? तो यहां पे सोडियम आयन लिबरेट होगा, जो कि अब आपको यह देखना है कि सोडियम आयन की एफिनिटी किस क्राउन ईथर से है। यह क्या है, 12 क्राउन ईथर 4, यह क्या है, 18 क्राउन ईथर 6, यह क्या है, 15 क्राउन ईथर 5, और ये कह रहा है ऑल। तो आपको हमने अभी जस्ट पहले बताया है कि सोडियम की एफिनिटी किसके लिए होती है, 15 क्राउन 5 के लिए, तो यही वाला ऑप्शन इसमें सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच क्राउन इथर इज नीडेड टू अचीव द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देख रहे हैं आप एल्कीन है और KMnO4 क्या होता है, वो आयनिक कंपाउंड है, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसकी सॉल्विटी इसमें नहीं होगी, इसलिए हमको कोई क्राउन इथर लेना ही पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। आप ये जानते हैं कि जो KMnO4 है वो हाइड्रोक्सिलेशन कराता है किसी भी एल्कीन पे, अनसेचुरेशन पे हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, तो ये बनेगा। अब ये देखना कि ये सॉल्विटी के लिए कौन सा तुमको क्राउन इथर सुटेबल है। तो आप ये अभी हमने जो टेबल बनाया था उसमें बताया था कि यहाँ पे पोटेशियम आयन है, ठीक, KMnO4 में, तो पोटेशियम आयन के लिए किसकी एफिनिटी है, 18 क्राउन 6 के लिए, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।